देख लो भाई हमारा मीटर क्या बात है, और हमारे मारुति जेन्युइन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, मारुति जेन्युइन हमने इसमें अलॉयज लगाए हैं, क्या बात है भाई। ZXi प्लस वाले टॉप मॉडल, प्लस इसमें ORVM हो गया अपना, ORVM मिरर जो क्या बताने वाले हो जो इस स्विफ्ट में आज क्या करा तुमने? इसमें भी बेसिक किट लगी है जो आफ्टर मार्केट हुआ है काम सारा है। RD वाला? अच्छा, जो मतलब जैसे जिन भाइयों का बजट कम रहता है वही वो ये चीज करा सकते हैं। जैसे आप चेकआउट कर सकते हो हमारी RD वाली पावर विंडो रहने वाली है इसमें, तो ये RD की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड पे आप देख लो RD की पावर विंडो है, और इसके अलावा इसमें एक एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है, स्पीकर कंपोनेंट लगे हैं, हां कंपोनेंट लगे हैं इसमें पायनियर के, और इधर कंपोनेंट्स आप चेक कर सकते हो। ये हमारी 90 वाली फ्लोरिंग हुई है पूरी कंप्लीट, ज़बरदस्त पावरफुल पावर तरीके से। बाकी ये जो बिल्कुल बेसिक होता है ना कि भाई बिल्कुल होता है कि भाई मतलब गाड़ी ली है घर पे सबसे एक छोटी कार, बिल्कुल हमें मतलब एक ऐसी चलानी है टाइम पास के लिए, तो उस टाइप का काम इस टाइप का आप करा सकते हो जिनका बजट कम है ओवरऑल ये बोले तो। ये सारा आप काम चेकआउट कर सकते हो इस गाड़ी का। और क्या क्या है इसमें? व्हील कैप लगा है, लगे पीछे व्हील कैप, क्या बात है। ब्लैक ब्यूटी किट, ब्लैक ब्यूटी पीछे भी दिखाएं तो आपको, ब्लैक ब्यूटी किट लगाई है भाई ने हमारे। इधर से आते हैं भाई हम, ये देख लो। और क्या है इसमें? तो ये व्हील कैप पे आपने हमारे चेकआउट करनी है, और ओवरऑल सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक थी इस गाड़ी में, है ना भाई। और मेन गाड़ी जो हम शूट कर रहे हैं आज वो है इसको कंप्लीट, हम ZXi प्लस बनाने वाले हैं गाड़ी को, इसमें अलॉयज भी हमारे ZXi प्लस वाले रहने वाले, फुल अभी काम चल रहा है हमारा, इसमें हम LED लगाने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त। क्या खास है इसमें? ये क्योंकि 150 वाट है, 150 वाट HID फेल है, HID फेल, अंधा हो जाएगा बंदा सामने, क्या बात है भाई। तो इसमें फुल मारुति जेन्युइन पार्ट्स लग रहे हैं, जैसे आप पीछे देख सकते हो बॉक्स रखे हैं, इस पे लिखा हुआ है मारुति जेन्युइन पार्ट्स MGP, और ये पावर विंडो लग रही है इसमें मारुति जेन्युइन वाली, ऑटो फोल्डिंग और पूरा काम रहने वाला है बढ़िया वाला। फ्लोरिंग का काम हो चुका है, और इसमें हम पंक ऑडियो के इसके अंदर हम कंपोनेंट इंस्टॉल करने वाले हैं गाड़ी में, और म्यूजिक का भी सेटअप काफ़ी सही रहने वाला है। तो भाई म्यूजिक का भी बढ़िया रहने वाला ना इसमें हिसाब के, तो क्या क्या लगाओगे इसमें? कंपोनेंट है फ्रंट डोर में, पीछे को एक्सल है, पीछे को एक्सल है, स्टीरियो निपोन ब्रांड है जो अपना, ब्रांडेड जो है, कैमरा मूविंग वाला जो अपना लगा, और सबवूफर में क्या यूज करने वाले हैं? सबवूफर नहीं यूज, सबवूफर नहीं है, फैमिली कार है इनकी, कह रहे हैं। और एम्पलीफायर लगाएंगे इसमें? नहीं एम्पलीफायर, एम्प भी नहीं लगेगा, मतलब नॉर्मल है, मतलब एक फैमिली के हिसाब से। डैम्पिंग है पूरी गाड़ी, डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग है, अभी डैम्पिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। देखो जैसे अंडर की साइड डैम्पिंग हो चुकी है, बाहर की रह चुकी है, पावर विंडो लग चुकी है, और धीरे धीरे काम आपको जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो ये पूरा आप एक बार चेकआउट कर लो भाई, बढ़िया हो गया बिल्कुल। स्पीडोमीटर भी है जो कि हमारा स्पेशल रहता है 2021 वाला, थर्ड टाइम इन इंडिया भाई बंदे, पिछली बार वीडियो में मैंने बोल दिया फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो कह रहे हैं कि हर्ष भाई ने पहले लगाया था। अरे तो हर्ष भाई की गाड़ी में भी तो हमने ही लगाया था, तो वो पर तुमने तुम्हारे पर मेरे हिसाब से तो पहली बार था ना, मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं थी। नहीं तो वो था हर्ष भाई की गाड़ी में, हमने ही लगाया था वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हर्ष भाई की गाड़ी में था, हर्ष भाई की गाड़ी, क्या बात है। तो बाकी अब ये थर्ड गाड़ी होगी जिसमें हम मीटर लगाएंगे, तीसरी गाड़ी है ना, वैसे वीडियो में तीसरी काफी लगा दी, वैसे बंदे लगा चुके हैं। तो ये पूरा काम अभी आप देख सकते हो, कंपोनेंट्स ये पंक ऑडियो के काफ़ी सही रहते हैं, इसके बाद आपको क्रॉसओवर मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देख लो धीरे धीरे वक्त के साथ काम आपको होता होता दिख जाएगा, रात हो जाएगी, बाकी रात को हम आपको लाइट रिस्पॉन्स दिखा रहे। अब जो है हमारी गाड़ी फाइनल हो चुकी है बहुत मेहनत के बाद, जैसा हमने आपको दिखाया किस किस तरीके से इस पर काम करा, बट बहुत बढ़िया काम हुआ है गाड़ी में। तो हमारे साथ हमारे विजय भाई बताएंगे अब क्या क्या हमने करा है इसमें। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट में हमने लगाया पहले क्रोम आउटर, क्रोम आउटर लगाया, अच्छा ठीक है भाई। हाँ फॉग DRL हो गया हमारा, ये फॉग DRL भाई आप लोग चेकआउट कर लो, कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अपना IPL प्रोजेक्टर हो गया इसमें, फॉग लैंप प्रोजेक्टर जो, ठीक है भाई। इसमें LED के ऊपर 150 वाट, तो वो भी एक बार हम रोड पे इसका स्प्रे दिखा देंगे, इसका स्प्रेड दिखा देंगे, लाइट स्प्रेड कैसी होती है, कैसा काम है इसका लाइट का, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं हम साइड प्रोफाइलिंग में, साइड में हम आ जाते हैं, मारुति जेन्युइन हमने इसमें अलॉयज लगाए हैं, क्या बात है भाई। ZXi प्लस वाले टॉप मॉडल, प्लस इसमें ORVM हो गया अपना, ORVM मिरर्स हो गए, डी ब्लैक हुआ है, पिलर ब्लैक करा है, डोर बीडिंग हो गई हमारी, मैं भी आपको दिखाया था भाई, ये डोर बीडिंग रहने वाली है। पीछे में अपना आ रहा तो फिर ये अपना टेल लाइट ब्लैक, ब्लैक ब्यूटी किट,
जैसे मैंने दूसरी शिफ्ट दिखाई थी। तो ये सब मैं आपको एक बार लाइटिंग इसकी ऑन करके दिखाता हूँ, तब कैसा दिखता है एक बार वो देख। ठीक है भाई, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो आप, ये हमारी पिलर लाइट्स हैं। पिलर लाइट्स के साथ साथ इसमें हमने नीचे डिफ्यूज़र लगाया, डिफ्यूज़र बहुत ही बढ़िया लगता है स्विफ्ट में, इसका लुक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल आता है भाई। मिनी कूपर वाला ना, मिनी कूपर वाला डिग्गी पट्टी है, क्रोम डिग्गी पट्टी है, स्पॉइलर भी है ना, मना कर दिया स्पॉइलर नहीं लगाना, स्पॉइलर ओवर लगता है वैसे भी। आपकी अपनी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, जिसको पसंद है वो करवा सकता है, बाकी हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते किसी चीज़ के लिए। और भाई इस गाड़ी का कोई साइड प्रोफाइल या पूरा लुक देख के कोई बता नहीं सकता, ये बेस मॉडल है, कोई भी नहीं बता सकता। मैं तो जब आया था मैंने कहा था भाई ZXi को मॉडिफाई कर रहे हो, जब मैंने पहली नज़र में जो मैंने चीज देखी थी वो थे इसके अलॉयज, वो देख के मेरे को लगा भाई ऑलरेडी टॉप मॉडल है, बट भाई LXi है गाड़ी। अब चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं अंदर क्या जादू हो रहा है इसमें। अंदर की तरफ हम चलते हैं, तो गेट खोलते ही सबसे पहले आपको ये ब्लू कलर की लाइटिंग दी जाएगी जो कि बहुत शानदार लग रही है इसमें। तो सबसे पहली चीज़ है वेलकम प्लेट, जो वेलकम प्लेट पर स्विफ्ट लिखा हुआ है वेलकम लाइट, तो भाई होती वेलकम करने के लिए आपको, जो कि बहुत बढ़िया लग रही है लाइटिंग में। उसके बाद अंदर की हमने इसमें एटमॉस्फेयर लाइट लगाई है, नहीं नहीं ब्लू है, पूरा ब्लू। अच्छा बस ब्लू है, सिर्फ ब्लू चलेगा, सिर्फ ब्लू, क्या बात है भाई। तो इसे कंट्रोल चेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसको कंट्रोल चेंज नहीं कर सकते, ये नॉर्मल रहेगा, ब्लू रहेगा। और इसको प्लान था ना, जो वेलकम प्लेट है वो ब्लू है, तो मेरा सिर्फ ब्लू ही ब्लू ही रहे। हाँ, तो इसका ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसे? ऑन ऑफ नहीं होते, डोर बंद करेंगे बंद हो जाएगा, डोर खोलेंगे। अच्छा बस डोर पे है, ठीक है ठीक है, जैसे पहले रहता था, समझ गया मैं भाई, बहुत अल्टीमेट। बाकी एक बार मैं सीट कवर्स आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार भाई लाइट ऑन कर देना गाड़ी के ऊपर की, तो रोशनी इस गाड़ी की काफी कम है। ये देख लो भाई सीट कवर हमारा बहुत ही ब्लैक है, सिल्वर स्टिच के अंदर, जो अपने डोर पैनल से मैच होने के लिए भी है। स्टिचिंग भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी लग रही है इसके ऊपर, नेक्स्ट लेवल लुक आ रहा है। 70 मैट्स हो गए अपने, 70 मैट्स हो गए, फ्लोरिंग मैंने आपको दिखा दी थी, इसके नीचे हमारी 90 वाली फ्लोरिंग रहने वाली है। तो भाई ये तो बहुत मामूली सी चीज है। अब आप देख लो भाई हमारा मीटर, क्या बात है, और हमारे मारुति जेन्युइन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, स्टीयरिंग रैप हुआ प्रॉपर ओरिजिनल, स्टीयरिंग रैप हुआ हमारा। तो भाई स्टीयरिंग की आप स्टिचिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत ही शानदार रहने वाली है हमारी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जबरदस्त। ठीक भाई, तो मैंने आपको स्टीयरिंग भी दिखा दिया, और ये चीज आप देख सकते हो हमारा क्रोम वाला पार्ट पूरा, ये हमने इसके ऊपर क्रोम कर दिया, क्रोम नहीं है ये, सिल्वर रहता है हमारा, ये आपका कार्बन फाइबर से फिनिश में आता है, बट ये पता लगता है कि भाई बेस मॉडल है, बट ये टॉप मॉडल वाला हमने सिल्वर पार्ट इस पे लगा दिया, जो कि भाई गाड़ी को पूरा ZXi प्लस वाला लुक दे रहा है। और उसी के साथ साथ हमारे डोर आप देख सकते हो हमारे, एक बार भाई इधर लाइट थोड़ी सी दिखा देना, रात को थोड़ी सी लाइटिंग की भाई इशू हो जाती है, कोई बात नहीं, प्लस वाले हैं ZXi प्लस वाले, हमने इसमें डोर पैनल्स लगाए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो ओवर VM मिरर्स के साथ, ये देखो सब कंप्लीट होगा। आपको दिखाता हूँ हमारी पावर विंडो, जो कि मारुति जेन्युइन रहने वाली है, ये देखो इसको हम डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउन चला गया, क्या बात है, ऑटो अपनी होता मारुति में जैसा आप लोग जानते हो, बाकी ऑटो डाउन तो है ही। ये आपने चेकआउट कर लिया पावर विंडो रहने वाली, और आपको दिखाते हैं हमारा ZXi प्लस वाला मीटर। तो मेन चीज़ जो हमारी अट्रैक्शन है वो है ये मीटर, तो मेरे को तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है यार, अगर किसी तरह जुगाड़ करके मेरी सिविक में लग जाता तो मज़ा ही आ जाता भाई, बहुत ही बढ़िया लगता है भाई, मजाक से हट के बैठिए बहुत सही चीज़ लगती है। इसमें आपको ऑप्शंस मैंने जैसा दिखाया था लास्ट वाली वीडियो में, इसमें आप ब्राइटनेस भी इसकी कंट्रोल कर सकते हो, देखो ब्राइटनेस कम हो रही है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, तो आप सेट करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल ZXi प्लस वाला हमारा रहने वाला है। ठीक है भाई, अपना निपॉन का स्टीरियो है, निपॉन का एंड्रॉइड स्टीरियो रहने वाला है, इसमें 2 GB की रैम आपको मिल जाएगी, 16 GB की इंटरनल, ये देखो भाई निपॉन, इसमें मॉडल भी दिख रहा होगा आपको, 2 GB 16 GB। ठीक है भाई, इसमें फ्रंट में कंपोनेंट अपने आ गए, रिप्लेस हो गए जो फ्रंट में हमने इसमें कंपोनेंट्स लगाए, कौन सी कंपनी के रहने वाले हैं? तो ये हमारे कंपोनेंट्स रहने वाले पंक ऑडियो के, तो इसके ये ट्विटर्स हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से करिए। बाकी अगर आप चाहो तो इसमें आपको स्विफ्ट का ओरिजिनल वाला पार्ट भी मिल जाएगा, बट भैया कह रहे थे मेरे को वैसे बाहर चाहिए, हाँ तो लुक नहीं आता थोड़ा, लुक इसमें थोड़ा लगता है अच्छा कि भाई आपने गाड़ी में म्यूजिक सेटअप भी लगा रखा है गाड़ी के अंदर। बाकी इनबिल्ट एम्प वाली बेस ट्यूब लगी है, अब आपको चेकआउट कराते हैं म्यूजिक का आउटपुट वो कैसा रहने वाला है, तो अब आपको म्यूजिक दिखाते हैं। गाइस अब म्यूजिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो आपने देख लिया इसके अंदर पंक ऑडियो के हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं, पीछे रॉकफोर्ड के 6 इंच हमारे कोएक्सियल स्पीकर्स रहने वाले हैं, और जो बिना किसी एम्पलीफायर के हम रन कर रहे हैं डायरेक्ट एंड्रॉइड हमारे स्टीरियो से, और उसी के साथ में इनबिल्ट एम्पलीफायर वाली बेस ट्यूब लगी है। तो अब एक बार हम आपको आउटपुट चेकअप करा देते हैं कैसा लग रहा है, तो एक बार आप बताएं।
ओके गाइस, ये था हमारा ओवरऑल म्यूजिक का आउटपुट। तो भाई म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक इनबिल्ट एम्प में इतनी बढ़िया बेस आ रही है, बहुत तो बढ़िया। बहुत बढ़िया है। बाकी अगर आप फैमिली कार के लिए बहुत बढ़िया है, फैमिली कार जिसके है भी नॉर्मल बेस सुनना है जिसको, वो ये लगवा सकता है, जिसको ज्यादा शोर शराबे नहीं पसंद हो बेसिक में अपना फैमिली के हिसाब से। बाकी ये भी अच्छी लग रही है, ये भी वैसे भी जो है ये अपना एयरफोर्स में है, फैमिली के हिसाब से फिर तो इनको तो सूट भी नहीं करता इतना ज्यादा लाउड, नहीं करता तो कर रहे भी है थोड़ा सा बच्चे का सो। आपको भी ऑफिस जा रहे हो एकदम से लाउड म्यूजिक बज जाए तो फिर क्या होगा। तो भाई वो सब हमारी मजाक की बात है। बाकी आपने सारा काम इस गाड़ी का चेकआउट कर लिया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है। बाकी आप में से कोई भी ऐसा काम कराना चाहते हो तो भाई को कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो बाकी भाई एक बार हम खर्चे की बात कर ले तो उसमें कितना बजट लग गया हमारा इस गाड़ी का? तो खर्चा समथिंग लाख रुपए खर्चा है, लाख रुपए, क्योंकि इसमें एलॉयज भी है हमारे, एलॉयज वगैरह सब लगा के लाख, सब लाख प्लस है भी, लाख प्लस। तो 1,05,000-10,000 कितना माने जो भी, एक 20 अप्रोक्स के समथिंग पड़ गया इसमें, एक 20 के अंदर एलॉय वगैरह सब कुछ है। बट भाई इसमें काम भी काफी ज्यादा है उस हिसाब का, और वैसे जो बेसिक का काम कराते हैं हम वैसे 40-45,000 रुपए के अंदर हो जाता है, जो कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, पुराने वीडियो में देख रहे हैं। क्योंकि काफी भी अगर आता है फोन तो कहते हैं कि भी आपने 40-45 बोला, तो ये चीजें होती है जो 40-45 वाला ही काम होता है। हाँ। फिर बेसिक किट के साथ होता है, जैसे अब इसमें मीटर नहीं होगा आपको, हेडलैम्प में एलईडी नहीं होती है, सब प्रोजेक्टर आईपीएस प्रोजेक्टर नहीं होते हैं। काफी भैया देख रहे होंगे वीडियो तो कहते हैं ना कि जैसे भैया आपने मेरे को बताया था कि भैया 40-45 तो 40-45 में ये काम नहीं होता, 40-45 के अंदर। काफी भैया का ये चीज डाउट है, तो मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि इस रेंज में इतने काम नहीं होते, बस ये चीज है। ठीक है भाई, बाकी जो काम है आपके सामने आप बता सकते हैं काम कैसा लगा इस चीज़ को। बाकी भाई लोग जितना प्यार दे रहे हैं हमारे वीडियोस को, बाकी आप लोग और शेयर करो, आप लोग आओ, डिस्काउंट भाई हमारे लिए बैठे हैं, पूरा फुल डिस्काउंट देंगे आपकी मारुति की वैगनार, बेलिनो, इग्निस, स्विफ्ट तो अपना है ही, स्विफ्ट तो राजा है, स्विफ्ट आने वाले हैं, वैगनार भी लेंगे, और बलिनो की भाई डिमांड आ रही है थोड़ी, बलिनो पे ध्यान देंगे, बलिनो भी बहुत जल्दी, बलिनो बेस्ट टू टॉप करनी है, पूरी मीटर वीटर सब लगा के सारा गाड़ी हो जाएगा। बट वैगनार में अपना हो रहा है, दूसरा जो गाड़ी होगी वो वैगनार होगी, और डिजायर भी हम फोकस कर रहे हैं, डिजायर भी फोकस कर रहे हैं, डिजायर तो काफी अच्छी है, तो हर गाड़ी पे हम ध्यान देंगे और आपको डिजायर की वीडियो देंगे इसमें। ठीक है भाई, ओके भाई, अब हम रोड पे आ चुके हैं, अब मैं आपको चेकआउट कराने वाला हूँ हमारा लाइट रिस्पांस कैसा रहने वाला है गाड़ी का। तो सबसे पहले हम अपने आईपीएस प्रोजेक्टर ऑन करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने आईपीएस प्रोजेक्टर ऑन करें जिसके अंदर एचआईडी लगी हुई है हमारी, एचआईडी 55 वाट की है, ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं है, और ये प्रोजेक्टर्स भी आपके लो कॉस्ट रहते हैं, तो मतलब ये उस हिसाब के प्रोजेक्टर नहीं है जो आप समझो कि हेडलाइट में आते हैं, नहीं, फॉग लाइट के हिसाब से इनको डिजाइन करा गया है और फॉग लाइट के हिसाब से ये रोशनी देते हैं। तो हम ऑन कर देते हैं हमारी लो बीम, तो ये हमारी लो बीम है, तो लो बीम देख लो भाई कितना जबरदस्त हमारा थ्रो लो बीम का आ रहा है, ये देख लो प्रॉपर आपका इस रेडियस के अंदर हमारा लो बीम पे थ्रो दे रहा है, और बहुत ही बढ़िया थ्रो दे रहा है। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ हाई बीम, तो ये देख लो भाई चार चांद लगा दिए, मजा आ गया, ये देखो सब बंद, टोटल अंधेरा, ये प्रोजेक्टर, ये हमारी लो बीम और ये हमारी हाई बीम, बहुत ही बढ़िया। हमेशा हम चाहते थे दिखाएं, बट इस बार जो हमने एलईडी यूज करी है कुछ खास है, 150 वॉट है हमारी, 150 वॉट भाई मायने रखता है एलईडी के लिए। एचआईडी तो भाई फिर आप कुछ भी लगाते रहो, बट ये एचआईडी से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी अगर यही एलईडी आपकी, जैसे कुछ गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं इसमें लो बीम हाई बीम अलग होते हैं, उसमें लगा दो तो भाई उसमें तो भाई अंत का विनाश हो जाएगा बिल्कुल, रोड पे भाई बंदे अंधे हो जाएंगे, बढ़िया हो गया बिल्कुल। और भाई कौन सी एलईडी रहने वाली है हमारी? बहुत ही शानदार, मजा आ गया। तो भाई कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा इस गाड़ी का काम, बाकी ये एलईडी आपको कैसी लगी। तो हमारे भाई लोग हैं, भैया की गाड़ी है, भैया कहाँ से आए थे आप? पालम से। तो कैसा लगा आपको काम? बहुत परफेक्ट काम, बिल्कुल परफेक्ट, किसी भी तरीके की कोई कमी मिली हो आपको? नहीं, कोई कमी नहीं, अभी तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना है। तो आपको नॉलेज कैसे मिली शॉप के बारे में? आपका ही देखा था। अच्छा, वीडियो ही देखा था, क्या बात है भाई। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे भाई आप लोग देख रहे हो, भैया ने देखा, आप लोग को भी आना है, फुल डिस्काउंट मिलेगा भाई, डिस्काउंट देना पड़ेगा जो बंदा वीडियो से आएगा, डिस्काउंट मिलेगा ओरिजिनल पार्ट्स में, डिस्काउंट का थोड़ा ओरिजिनल पार्ट्स, ये भी बात है भाई, आप एक तो या तो काम अच्छा देख लो या डिस्काउंट देख लो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। काम भी अच्छा है, रेट भी इतना कोई, जैसा वीडियो में देखा सेम एग्जैक्ट वही चीज मिली, कोई कमी। और भाई का सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन भी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके भैया, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू भैया।